इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स में यूज किए जाने वाले सारे शैडो इफेक्ट्स, इंक्लूडिंग द थर्ड पार्टी वंस, जो कि पेड होते हैं, बट डोंट वरी, क्योंकि इस वीडियो में आपको उन पेड प्लगइन्स के रिजल्ट्स को आफ्टर इफेक्ट्स के नेटिव टूल से अचीव करके दिखाऊंगा। और लास्ट में विल ऑल्सो बी क्रिएटिंग दिस रिएक्टिव लाइटिंग विद डायनेमिक शैडो एनिमेशन। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अब इस वीडियो में टोटल 7 अलग अलग शैडो इफेक्ट्स को समझाने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया। तो आप उन चैप्टर्स को स्किप कर सकते हो जिनके बारे में आपको ऑलरेडी आइडिया हो। लेट्स ओपन आफ्टर इफेक्ट्स। सबसे पहला है हमारा नॉर्मल ड्रॉप शैडो इफेक्ट, और इसे हम अपनी लेयर में दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। पहले तरीके में हम सिंपली अपनी लेयर को सिलेक्ट करके अपने एफएक्स कंसोल में ड्रॉप शैडो सर्च करेंगे एंड विल प्रेस एंटर। एफएक्स कंसोल वीडियो का पैलेट की फ्री थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट है, जिसे आप अपनी लेयर में काफी इजिली इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो। इसके बारे में और जानने के लिए आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो, जिसमें मैंने और भी यूजफुल स्क्रिप्ट्स को कवर किया। तो यहाँ हमारी लेयर में ड्रॉप शैडो इफेक्ट ऐड हो गया। यहाँ मैं इसका डिस्टेंस इंक्रीज कर सकता हूँ, अपनी शैडो को सॉफ्ट कर सकता हूँ, यहाँ से इसका एंगल चेंज कर सकते हैं, इसकी ओपेसिटी, और यहाँ से इसका कलर। और लास्ट बटन से अगर हमें सिर्फ अपनी लेयर में शेडो चाहिए तो इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। इट्स प्रीटी सिंपल। नाउ लेट्स डिलीट इट। और अब हम इस लेयर में दूसरे तरीके से शेडो ऐड करेंगे। विल राइट क्लिक ऑन आर लेयर एंड विल गो टू लेयर स्टाइल्स एंड विल चूज ड्रॉप शेडो। अब लेयर स्टाइल से ऐड किया हुआ ड्रॉप शेडो इफेक्ट आपको इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में नहीं दिखेगा, ये हमारी लेयर के अंदर लेयर स्टाइल्स के कॉलम में शो होगा। और ये ड्रॉप शेडो हमारे नॉर्मल ड्रॉप शेडो इफेक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ इसके अंदर थोड़े ज्यादा ऑप्शंस हैं। पहला है हमारा ब्लेंडिंग ऑप्शन, इसे हम अपनी शेडो को बैकग्राउंड पे ब्लेंड कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको नॉर्मल मोड पर करके इसका कलर चेंज कर दूं तो ये काफी सॉलिड फील देगा, बट अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ अपनी शेडो में बैकग्राउंड का टेक्सचर भी दे सकते हैं। सिमिलरली आप बाकी ब्लेंडिंग मोड्स को एक्सप्लोर कर सकते हो टू गेट डिफरेंट रिजल्ट्स। लेट्स डू दिस एंड नाउ आई विल रीसेट दीज सेटिंग्स। नेक्स्ट है हमारा ओपेसिटी, और फिर है यूज ग्लोबल लाइट, इसे हम वीडियो में आगे एक्सप्लोर करेंगे। फिर हमारी शेडो का एंगल, डिस्टेंस, स्प्रेड और साइज। साइज इज बेसिकली सॉफ्टनेस, और स्प्रेड से कुछ इस तरह का इफेक्ट ऐड होता है। लेट्स डू दिस। और फिर है हमारा नॉइज, इससे हमारी शेडो में सिंपली नॉइज ऐड हो जाती है, विच लुक्स कूल इफ यू आर गोइंग फॉर दिस लुक। और लास्ट में हमारा नॉकआउट ड्रॉप शेडो, डिफॉल्ट से ये ऑन है, बट अगर मैं इसको ऑफ करूं और अपनी लेयर के ब्लेंडिंग मोड को यहाँ से चेंज करूं तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे ब्लेंडिंग मोड में ये हमारी शेडो के भी ऊपर ब्लेंड हो रहा है, जिससे ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको चेंज करने के लिए हम इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं एंड नाउ इट्स लुकिंग गुड। वी कैन ऑल्सो सी द डिफरेंस, यहाँ ये नॉर्मल पे था और अब ये सॉफ्ट लाइट पे। बट हमारे पास ड्रॉप शेडो ऐड करने के लिए दो अलग अलग ऑप्शंस है ही क्यों? लेट मी एक्सप्लेन। आई विल गो टू माय नेक्स्ट कॉम्प। यहाँ मैंने इन दोनों बॉल्स में अलग अलग तरीके से ड्रॉप शेडो ऐड करी है, इस वाले में इफेक्ट से और इसमें लेयर स्टाइल से। लेट्स ओपन दम बोथ। और यहाँ हम इन लेयर्स का रेंडर ऑर्डर देख सकते हैं। रेंडर ऑर्डर का बेसिकली मतलब रहता है कि जो चीज ऊपर है उसे आफ्टर इफेक्ट्स पहले रेंडर करेगा और जो चीज उसके नीचे उसको बाद में। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर मैं इस लेयर में फिल इफेक्ट ऐड करूं तो अब क्योंकि ये फिल इफेक्ट हमारी शेडो इफेक्ट के बाद ऐड हुआ है, यहाँ ये हमारी लेयर की शेडो को भी रेड कर देगा। बट अगर मैं इसे शेडो इफेक्ट से पहले रखूं तो अब हमारी लेयर में पहले फिल ऐड हुआ है और फिर उसमें शेडो। तो ये है हमारा रेंडर ऑर्डर, जिसे देख के आफ्टर इफेक्ट्स डिसाइड करता है कि कौन सी चीज को पहले रेंडर करना है। अब यहाँ हम अपने इफेक्ट्स के ऑर्डर को तो चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ हम इनके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। आई डिलीट दिस फिल इफेक्ट। तो यहाँ इफेक्ट वाली लेयर पे पहले इफेक्ट ऐड हो रहा है और फिर ट्रांसफॉर्म, बट यहाँ नीचे उसका उल्टा, पहले ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज और फिर लेयर स्टाइल। तो अगर मैं अब इन दोनों की रोटेशन को चेंज करूं तो हम इनके बीच का डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ इफेक्ट वाली लेयर में हमारा ड्रॉप शेडो इफेक्ट भी रोटेट हो गया, बट यहाँ हम इसे जितना भी रोटेट करें इस शेडो का एंगल सेम रहेगा। इसके अलावा इन दोनों के बीच में एक और डिफरेंस है। आई हाइड दीज बॉल्स एंड विल टर्न ऑन दीज टू लेयर्स। अब यहाँ दो फुटेज हैं जिनका रेजोल्यूशन अलग अलग है। ये वाली है 4K, लेट मी शो यू इन माई प्रोजेक्ट पैनल, और इस वाली फुटेज का रेजोल्यूशन है फुल HD। यू कैन ऑल्सो सी द डिफरेंसेज इन देयर साइजेस। अब मैंने इस 4K वाली फुटेज में ड्रॉप शेडो इफेक्ट ऐड किया हुआ है। अब अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करके अपनी फुल HD वाली फुटेज में पेस्ट करूँ तो यहाँ इफेक्ट थोड़ा अलग दिखेगा, यानी हमें इसकी सेटिंग्स को फुल HD के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। आई डिलीट दिस इफेक्ट, आई ऑल्सो डिलीट इट फ्रॉम हेयर। यहाँ मैंने इसके लेयर स्टाइल में भी ड्रॉप शेडो इफेक्ट ऐड किया हुआ है, और अगर मैं इसे यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँ तो यहाँ एकदम सेम शेडो कॉपी पेस्ट होगी। तो ये थे हमारे दो ड्रॉप शेडो इफेक्ट्स। नेक्स्ट है हमारा रेडियल शेडो इफेक्ट। लेट्स ऐड दिस इफेक्ट इन आवर लेयर। अब ये ऑलमोस्ट ड्रॉप शेडो की तरह ही काम करता है, बट यहाँ इसमें रोटेशन प्रॉपर्टी की जगह लाइट सोर्स ऐड हो गया। तो अब इसकी लाइट सोर्स को हम किसी भी लेयर की पोजीशन प्रॉपर्टी के साथ लिंक करके एक्चुअल लाइट का इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। सो आई विल क्रिएट अ शेप लेयर हियर, इसका एंकर पॉइंट इसके बीच में करेंगे एंड आई विल प्रेस P टू ओपन इट्स पोजीशन प्रॉपर्टी हियर। और अब मैं अपनी शेडो की लाइट सोर्स पे ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करूंगा और यहाँ हम इसे अपनी शेप लेयर की पोजीशन प्रॉपर्टी के साथ लिंक कर सकते हैं। एंड नाउ आवर शेडो विल चेंज विद द पोजीशन ऑफ दिस लेयर। इसको लाइट वाली फील देने के लिए हम इसमें डीप ग्लो इफेक्ट ऐड कर सकते हैं एंड नाउ इट्स लुकिंग बेटर। सो दिस वॉज आवर रेडियल शेडो। नेक्स्ट इज इनर शेडो। ये इफेक्ट आपको लेयर स्टाइल्स में ही मिलेगा। लेट्स एड इट।
अब ये इफेक्ट बेसिकली हमारी लेयर की अंदर की साइड में शेडोज ऐड करता है, जिसे हमें कुछ ऐसा पेपर कट जैसा इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर मैं इसे कुछ इस तरह से चेंज करूं और इसमें नॉइस ऐड करूं, तो यहाँ हम इसे थोड़ी 3D वाली फील भी दे सकते हैं। वी कैन ऑल्सो चेंज द कलर, और अब ऐसा लग रहा है कि इस डायरेक्शन से कोई रेड लाइट आ रही हो। अब इसकी सेटिंग्स भी ऑलमोस्ट लेयर इफेक्ट के ड्रॉप शेडो जैसी ही है, और यहाँ इसमें भी यूज ग्लोबल लाइट वाला ऑप्शन है। अगर मैं इसको यहाँ से ऑन करूँ तो अब एंगल प्रॉपर्टी यहाँ से काम करना बंद कर देगी। सिमिलरली अगर मैं इसमें ड्रॉप शेडो भी ऐड करूँ और उसका थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा के उसका यूज ग्लोबल लाइट भी ऑन कर दूँ, तो इसका एंगल भी हम अब यहाँ से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बट अब हम इन दोनों के एंगल को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं बाय गोइंग इन ब्लेंडिंग ऑप्शंस एंड विल चेंज दिस ग्लोबल लाइट एंगल। अब यह ऑप्शन मैंने कभी यूज नहीं करा, बट नाउ यू नो व्हाट दिस ऑप्शन डू। तो ये था हमारा इनर शेडो इफेक्ट। नेक्स्ट इज शेडो स्टूडियो 2 बाय प्लग इन एवरीथिंग। ये एक थर्ड पार्टी प्लग इन है जो कि पेड है, बट थोड़ी देर में आई विल शो यू हाउ यू कैन प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट विदाउट यूजिंग दिस प्लग इन। ये बेसिकली हमारी लेयर में रियलिस्टिक शेडोज प्रोड्यूस करता है एंड आई यूज इट ऑल द टाइम इन माई वर्क। तो अगर मैं इसको अपनी लेयर में अप्लाई करूं तो यहाँ हमारे पास 3 शेडो टाइप्स हैं। पहला है नॉर्मल, फिर है इनर जो भी हमने देखा, और फिर है रेडियल। जैसे हमारी रोटेशन प्रॉपर्टी की जगह यहाँ एक लाइट सोर्स ऐड हो जाता है। लेट्स ब्रिंग इट बैक टू नॉर्मल एंड वी कैन चेंज दीज सेटिंग्स जस्ट लाइक इन आर ड्रॉप शेडो इफेक्ट। बट अगर मैं इसकी सॉफ्टनेस को 0 कर दूं, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये इफेक्ट एक्चुअली में काम कैसे कर रहा है। ये बेसिकली अपनी शुरुआत में अपनी लेयर्स की ओपेसिटी को ज्यादा रखता है और उनके आगे की लेयर्स की ओपेसिटी कम होती जाती है। हम यहाँ से इसकी स्टार्टिंग की ओपेसिटी और एंड की ओपेसिटी को इंडिविजुअली चेंज भी कर सकते हैं, एंड फ्रॉम हियर वी कैन चेंज द ओवरऑल ओपेसिटी। नाउ आई विल शो यू हाउ यू कैन अचीव दिस रियलिस्टिक शेडो इफेक्ट्स। मैं इसको यहाँ प्लेस करके डुप्लीकेट करूंगा और अपनी दूसरी लेयर को यहाँ नीचे लेके आऊंगा। आई विल डिलीट दिस इफेक्ट फ्रॉम हियर और यहाँ हम ऐड करेंगे ड्रॉप शेडो इफेक्ट। अब इसकी ओपेसिटी को कर देंगे 100 पे, डिस्टेंस करेंगे 10 पे और सॉफ्टनेस भी 10 पे। अब हम इसे काफ़ी बार डुप्लीकेट करेंगे और इसकी ओपेसिटी को कम करते जाएंगे और इसके डिस्टेंस और सॉफ्टनेस को बढ़ाते चले जाएंगे। आई विल डू दिस एटलीस्ट 5 मोर टाइम्स। आई विल फास्ट फॉरवर्ड दिस प्रोसेस। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट इस इफेक्ट जैसे ही लग रहा है। बट अगर मुझे इसका एंगल चेंज करना हो, तो वो करने के लिए मुझे अभी इन सारे इफेक्ट्स के अंदर जाके इनका इंडिविजुअली एंगल चेंज करना पड़ेगा। बट देयर इज अ सॉल्यूशन। हम इन सारे एंगल्स को अपनी पहली ड्रॉप शेडो के एंगल के साथ लिंक कर सकते हैं। तो हम यहाँ अपने सेकंड शेडो की डायरेक्शन प्रॉपर्टी पे ऑल्ट क्लिक करेंगे और इसको अपने सबसे पहले ड्रॉप शेडो के इफेक्ट के डायरेक्शन के साथ लिंक कर देंगे। एंड नाउ वी कैन सिंपली कॉपी दिस एक्सप्रेशन एंड ऐड इट इन रेस्ट ऑफ आवर डायरेक्शन प्रॉपर्टीज। आई विल फास्ट फॉरवर्ड दिस प्रोसेस। और अब हमारी सारी डायरेक्शन प्रॉपर्टी हमारी पहली ड्रॉप शेडो की डायरेक्शन प्रॉपर्टी के साथ मूव होगी। नाउ टू कंट्रोल इट्स ओवरऑल ओपेसिटी विल ऐड वन मोर इफेक्ट हियर, दैट इज ट्रांसफॉर्म। ये इफेक्ट बेसिकली हमारी लेयर में एक एडिशनल सेट ऑफ ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज ऐड करता है। तो अगर मैं इसकी ओपेसिटी को यहाँ से चेंज करूँ, देन वी कैन चेंज द ओवरऑल ओपेसिटी। बट अभी यहाँ दिक्कत आ रही है, ये हमारे टेक्स्ट की लेयर की ओपेसिटी को भी यहाँ इफेक्ट कर रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम इसके बाद अपना लास्ट इफेक्ट ऐड करेंगे, दैट इज CC कंपोजिट। ये इफेक्ट हमारी ओरिजिनल लेयर को सिंपली डुप्लीकेट करके इन सारे इफेक्ट्स के ऊपर रख देता है। एलन चेक दिस RGB ओनली ऑप्शन एंड दैट्स इट। एंड नाउ वी कैन एडजस्ट आवर मास्टर ओपेसिटी फ्रॉम हियर। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट रियलिस्टिक शेडोज इन योर लेयर्स। नेक्स्ट है लॉन्ग शेडो। आई क्रिएट दिस इफेक्ट बाय यूजिंग दिस थर्ड पार्टी प्लगइन कॉल्ड लॉन्ग शेडो बाय रेड जायंट यूनिवर्स। ये भी पेड है, बट थोड़ी देर में आई विल शो यू हाउ यू कैन क्रिएट दिस सेम इफेक्ट विदाउट यूजिंग दिस प्लगइन। यहाँ हम इसके एंगल को कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी लेंथ को छोटा बड़ा कर सकते हैं और इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं, और लास्ट में है एक्सपेंशन, जिसे कुछ इस तरह से शेडो एक्सपैंड हो जाती है। अब इसके आगे के ऑप्शन से आप इस शेडो को क्रॉप कर सकते हो और इससे मास्क। अब इस प्लगइन को मैंने काफी बार यूज किया है टू ऐड सुपर्स इन ध्रुव राठी वीडियोस। इसमें थोड़ी और फील देने के लिए मैंने यहाँ एज ग्लो भी ऐड किया हुआ है। एंड नाउ आई विल शो यू हाउ यू कैन क्रिएट दिस लॉन्ग शेडो इफेक्ट फॉर फ्री। फर्स्ट यू हैव टू डाउनलोड दिस फ्री थर्ड पार्टी एक्सटेंशन कॉल्ड एनिमेशन कंपोजर बाय मिस्टर हॉर्स। इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ विंडोज से इसको अपने वर्कस्पेस में ऐड कर सकते हो, और यहाँ इसके स्टार्टर पैक में ही काफी सारे इफेक्ट्स और ट्रांजिशन अवेलेबल है, और उन्हीं में से एक है अपना लॉन्ग शेडो इफेक्ट। ये आपको यहाँ 2D लेयर के फोल्डर में मिलेगा, और यहाँ सबसे लास्ट में ये रहा हमारा लॉन्ग शेडो इफेक्ट। यहाँ मैं इस लेयर को ऊपर ले जाके डुप्लीकेट करूंगा और अपनी दूसरी लेयर को नीचे लाके इसका ये पेड वाला इफेक्ट यहाँ से डिलीट कर दूंगा। और अब इसको अप्लाई करने के लिए हम सिंपली इस पे डबल क्लिक कर देंगे। यहाँ एक्चुअली में इसके 3 अलग अलग वेरिएशंस भी हैं, सो यू कैन चेक देम आउट। ये बेसिकली हमारे आफ्टर इफेक्ट्स के नेटिव इफेक्ट्स को यूज करके ये लॉन्ग शेडो इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। वी कैन क्लोज ऑल ऑफ दी सेटिंग्स और यहाँ से हम अपनी शेडो की मेन प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स चेंज देम टू व्हाट वी हैव हियर। आई कैन चेंज इट्स कलर, लेंथ एंड मेक इट्स ओपेसिटी लाइक सो।
बट अभी अगर मैं इसमें थोड़ा जूम करूं तो यहाँ इसके एजेस में अपनी शेडो का थोड़ा कलर आ रहा है जो हमारे इस इफेक्ट में बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। सो वी कैन इजिली फिक्स दिस बाय ओपनिंग आर फर्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी और यहाँ से हम इसकी पोजिशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे एंड दैट्स इट। दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर एंड नाउ इट्स लुकिंग गुड। नाउ आर लास्ट शेडो इज 3D शेडो। इसे ऐड करने के लिए आई यूज दिस थर्ड पार्टी प्लगइन कॉल्ड शेडो बाय रेड जैन VFX। अगेन इट्स पेड बट डोंट वरी, आई चेंज इट्स कंट्रोलर पोजिशन और कुछ इस तरह से ये सिंपली हमारी 2D लेयर को 3D वाली फील दे देता है। हम यहाँ से इसकी सॉफ्टनेस को चेंज कर सकते हैं, इसकी ओपेसिटी को, इसके कलर को एंड सो ऑन। एंड नाउ आई शो यू हाउ यू कैन क्रिएट दिस सेम इफेक्ट विदाउट यूजिंग दिस थर्ड पार्टी प्लगइन। अब इस शेडो इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए भी हमारे पास दो तरीके हैं। पहले मैं इस थर्ड पार्टी इफेक्ट को डिलीट कर देता हूँ। अब अगर मुझे इस इमेज पे 3D शेडो ऐड करनी है तो मैं सिंपली इसको डुप्लीकेट करूंगा और नीचे वाली लेयर को इस बटन से 3D कर दूंगा। अब अगर आपको यहाँ ये बटन नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ राइट क्लिक करके इस कॉलम के ऑप्शन में जाके स्विचेस पे क्लिक करके इसे यहाँ ऐड कर सकते हो। अब मैं वाई प्रेस करके इसके एंकर पॉइंट की पोजिशन को चेंज करूंगा एंड आई विल प्लेस इट ओवर हियर। और अब मैं इसकी रोटेशन को चेंज करके इसको 3D शेडो की तरह प्लेस कर सकता हूँ। आई कैन स्केल इट लाइक दिस। और अब इसको शेडो की तरह बनाने के लिए आई विल ऐड फिल इफेक्ट एंड मेक इट्स कलर ब्लैक। वी कैन चेंज इट्स ओपेसिटी फ्रॉम हियर। और अब इसमें सॉफ्टनेस ऐड करने के लिए आई ऐड फास्ट बॉक्स ब्लर एंड दैट्स इट। बट ये तरीका लंबी लेयर्स के लिए काम नहीं करेगा, जैसे कि हमारा टेक्स्ट। आई ब्रिंग बैक दिस टेक्स्ट, आई डुप्लीकेट दिस टेक्स्ट एंड मेक इट 3D। इसका एंकर पॉइंट थोड़ा नीचे करेंगे एंड नाउ लेट्स रोटेट इट। तो अब हम इसे सिर्फ पीछे की तरफ रोटेट कर सकते हैं। लेट्स ऐड फिल इफेक्ट ऑन इट एंड मेक इट्स कलर ब्लैक। तो अब अगर मैं इसको साइड से रोटेट करूं तो यहाँ कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा विच विल नॉट वर्क। तो यहाँ हम अपना दूसरा तरीका यूज करेंगे। विल यूज दिस प्लगइन कॉल्ड CC पावर पिन। अब इसको टेक्स्ट में ऐड करने से पहले इसको मैं अपनी इमेज में ऐड करूंगा ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। आई टर्न ऑन माई एंजल लेयर एंड विल ऐड CC पावर पिन। और यहाँ इस इफेक्ट ने हमारी लेयर्स की बॉर्डर्स में कुछ पॉइंटर्स ऐड कर दिए। वी कैन चेंज द पोजिशन ऑफ दीज पॉइंटर्स और यह इफेक्ट कुछ इस तरह से काम करता है। वी कैन कॉपी दीज टू इफेक्ट्स एंड प्लेस इट ओवर हियर ताकि ये शेडो की तरह आए। और लास्ट में हम इसमें ऐड कर सकते हैं CC कंपोजिट। Let's uncheck this RGB only option and that's it. And now let's add this effect in our text layer. अब यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा CC power pins के handle हमारी composition के borders पर आ रहे हैं instead of these borders. I want कि ये borders यहाँ इस text के borders पर ही हैं ताकि हम इसे easily distort कर पाएं। तो वो करने के लिए मैं सबसे पहले इन्हीं points को अपने text के borders पर roughly place कर दूंगा। We don't have to be super precise here. और अब मैं इस अनस्ट्रेच के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और इससे हमारा टेक्स्ट हमारी कॉम्पोजिशन के साइज का हो जाएगा। हम यहाँ से इसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं ताकि ये कहीं से कटे ना। और अब मैं इस इफेक्ट को करूंगा डुप्लीकेट और इस डुप्लीकेटेड इफेक्ट में से मैं इस अनस्ट्रेच ऑप्शन को अनचेक कर दूंगा एंड नाउ वी कैन कंट्रोल आवर टेक्स्ट फ्रॉम इट्स बॉर्डर्स। अब इसको भी शेडो वाली फील देने के लिए आई विल कॉपी दीज इफेक्ट्स दैट वी यूज्ड बिफोर एंड पेस्ट इट इन आवर टेक्स्ट लेयर। और अब हम इस इफेक्ट से अपनी शेडो को डायरेक्ट कर सकते हैं एंड नाउ इट्स लुकिंग गुड। वी कैन चेंज द डायरेक्शन टू anywhere। यहाँ से हम इसका ब्लर कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से इसकी ओपेसिटी। बट अभी एक प्रॉब्लम है, अगर मैं इस टेक्स्ट को मूव करूँ तो हमारी शेडो अपने बाउंडिंग बॉक्स के साथ कट हो जाएगी। आई वॉन्ट कि ये बॉक्स हमारी टेक्स्ट की विड्थ और हाइट के साथ लिंक हो जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए वील यूज एक्सप्रेशन। सबसे पहले आई डिलीट आर सेकेंड पावर पिन फ्रॉम हियर और मैं अभी बाकी के इफेक्ट्स को टेम्परेरीली बंद कर दूंगा एंड नाउ वील एड दीज 4 एक्सप्रेशन इन दीज 4 पॉइंटर्स। अब ये एक्सप्रेशन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है तो अगर मैं इनको समझाने बैठूंगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इनको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है ताकि आप इनको वहां से कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर पाओ। तो यहाँ ये टॉप लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन हमारे टॉप लेफ्ट वाले पॉइंट में ऐड होगा। इसको ऐड करने के लिए मैं यहाँ ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करूंगा एंड नाउ हियर आई कैन पेस्ट दिस एक्सप्रेशन। सिमिलरली बाकी एक्सप्रेशन बाकी पॉइंटर्स में ऐड करेंगे। सो आई विल फास्ट फॉरवर्ड दिस प्रोसेस अ बिट। ऑल्सो ये एक्सप्रेशन ऐड करने का प्रोसेस और सारे इफेक्ट्स आपको बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं है। हम थोड़ी देर में इन सारे इफेक्ट्स को एक प्रीसेट की तरह सेव करेंगे जिससे कि सिर्फ एक क्लिक में हम किसी भी लेयर में इसे ऐड कर पाए। सो आई एडेड ऑल दी एक्सप्रेशंस एंड नाउ आई विल डुप्लीकेट दिस इफेक्ट एंड अनचेक दिस अनस्ट्रेच ऑप्शन। बट अभी एक दिक्कत है, हम इसे यहाँ से मूव नहीं कर सकते। बट देयर इज अ सॉल्यूशन। तो इसे मूव करने के लिए हम इसके अंदर की कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन की जगह इसे यहाँ इसके साथ लिंक कर देंगे और फिर यहाँ ऐड करेंगे प्लस वैल्यू। बट इससे अभी अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको वापस इसकी पोजीशन पर लाने के लिए विल क्लिक हेयर एंड ऐड 0 0। नाउ वी कैन चेंज द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। अब अपने बाकी कॉर्नर्स को मूव करने के लिए विल रिपीट दिस सेम प्रोसेस विद दीज 3 साइड्स एज वेल। अब ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। और अब हम अपने बाकी के इफेक्ट्स को ऑन कर सकते हैं और अपनी सेकंड पावर पेन से अपनी टेक्स्ट की शेडो को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं।
और अब ये हमारे टेक्स्ट के साथ मूव भी होगी। और अब हम इन सारे इफेक्ट्स और एक्सप्रेशन को एक प्रीसेट की तरह सेव कर सकते हैं बाय सिलेक्टिंग देम ऑल एंड विल गो टू एनिमेशंस एंड विल चूज सेव एनिमेशन प्रीसेट। लेट्स रीनेम इट टू 3D शैडो। और अब हम इसे किसी भी टेक्स्ट लेयर में अप्लाई कर सकते हैं। सो आई विल क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट लेयर मानव विजुअल्स, इसको सेंटर अलाइन करेंगे और इसका थोड़ा साइज छोटा करेंगे। एंड नाउ वी कैन गो टू एनिमेशन, अप्लाई एनिमेशन प्रीसेट एंड वी कैन चूज दिस 3D शैडो प्रीसेट हियर। That's it. We can also move this layer and change our shadow position as well. तो ये था हमारा 3D shadow effect. अब इसके preset को आप free में download कर सकते हो by using the link in the description. Now let's create this reactive lightning with dynamic shadow. इसे बनाना काफी easy है. ये हमारे पास तीन layers हैं. पहला है अपना light source. इसमें मैंने कुछ glow effects add किए हैं. फिर है हमारा square grid, जो कि मैंने shape layer में repeaters add करके create करा है. And then there is our background. तो अब सबसे पहले हम अपने square में add करेंगे fill effect. ये हमारी शेडो का कलर होने वाला है, तो लेट्स मेक इट ब्लैक। और अब हम इसमें ऐड करेंगे CC रेडियल फास्ट ब्लर। तो ये कुछ इस तरह से हमारी लेयर को ब्लर करता है। यहाँ भी इस इफेक्ट का सेंटर हमारी कॉम्पोजिशन के मिडल में, वी कैन ऑब्वियसली मूव इट अराउंड लाइक दिस। एंड नाउ लेट्स चेंज सम सेटिंग्स। मैं इसका यहाँ अमाउंट इंक्रीज करूंगा और यहाँ मैं इसको ब्राइटनेस पे स्विच कर दूंगा। एंड नाउ विल ऐड CC कंपोजिट इफेक्ट, जो कि हमारी ओरिजिनल लेयर को डुप्लीकेट करके इन सब इफेक्ट्स के ऊपर रख देगा। आई रन चेक दिस RGB ओनली ऑप्शन एंड दैट इज प्रीटी मच इट। अब अगर आपको ये शेडो शार्प लग रही है तो यू कैन ऐड फास्ट बॉक्स ब्लर एंड प्लेस इट आफ्टर आर रेडियल फास्ट ब्लर। और हम अपनी शेडो की सॉफ्टनेस को इससे कंट्रोल कर सकते हैं और ओपेसिटी को यहाँ से। अब हम अपने रेडियल फास्ट ब्लर के सेंटर को अपनी लाइट के साथ लिंक करेंगे। I'll select my light and will press P on my keyboard. और अब मैं अपने square grid में इसके radial fast blur के center पे alt press करके click करूँगा और इसको यहाँ से अपनी light की position value के साथ link कर दूंगा। And that is it. अब हम इस light की position में keyframes add करके इसे animate कर सकते हैं। अब अगर इसमें मुझे और layers add करनी हो तो वो भी काफी easy है। I'll add a new shape layer here. और अब मैं अपने square grid के सारे effects को copy करके अपनी नई shape layer में paste कर सकता हूँ। बट हम इसे स्मार्टली कॉपी करेंगे। I'll select all of these effects and will go to edit and will click on copy with property links. और अब अपनी नई लेयर को सिलेक्ट करेंगे and will press Ctrl+V to paste. इससे इसकी सारी प्रॉपर्टीज में एक्सप्रेशन ऐड हो जाएंगे, यानी अब ये हमारे स्क्वायर ग्रिड की प्रॉपर्टीज के साथ लिंक हो गई हैं। तो अगर मैं अब इसकी किसी भी प्रॉपर्टी को चेंज करूं तो यहाँ हमारी नई लेयर में वो चेंज अपने आप हो जाएगा। So these were all kinds of shadow effects that you can use inside Adobe After Effects. Let me know if I missed anything in the comment section below. Lastly, ऐसे ही videos देखने के लिए और मुझे support करने के लिए आप इस video को like कर सकते हो और इस channel को subscribe. I'll see you in the next one.